आपने मजाक में इनके ऊपर अपना क्लिप या कोई चीज गार्डन में फेंकी सईदा के ऊपर? हम लोग तो मजाक कर रहे थे, लगने वाली भी नहीं है, पोनी है क्या, क्लिप नहीं है, पोनी है, और मजाक कर रहे थे। नहीं बट उस वक्त मैं किसी और से बात कर रही थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन अगर मैं किसी और से बात कर रही हूँ एंड ऑल ऑफ अ सडन आप किसी के ऊपर इस तरीके से फेंक दो, ये गलत है। तो एक चीज़ ये हुई, दूसरी चीज़ वो जब डर गई तो आपने कहा पागल औरत, कहा था? मैं नींद में उठ के जा रही थी और उसने सारों ने चीखे मारने शुरू कर दिया, मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ शॉक में, आधी नींद में। इसमें मेरा क्या कसूर है कि आपको लगे कि कोई गुजर है और आपने सबको नींदें उड़ा दी हैं, वो सही है। मैंने अपोलोजाइज किया है। पहली चीज, आपको याद है कि आपने मुझे ये कहा, कब कहा था? इतना इश्यू था मुझे नहीं पता। नहीं, आपके आपको इतना इश्यू है मुझे नहीं पता। अदनान जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं सच बोलूंगी यहाँ और मैं बहुत ब्लंट हूँ। ठीक है, आपके साथ मैं मजाक नहीं करूंगी क्योंकि आप मजाक ले नहीं सकती और मुझे इस बात का पता नहीं। मजाक एक हद तक होता है। कौन सी हदें पार की हैं मैंने? आप किसी को पागल औरत नहीं कह सकती अगर कोई डर गया है। आप पहले ही ऐसी एक सिचुएशन में हैं जहां मैं नहीं डरी। आपने जो मैं जो नींद में उठ के जा रही थी और आपने सब पूरे घर को जगा दिया, वो सारे नहीं डरे। आप कितने बजे सोई हैं? आपको खुद भी पता है, आप सारी रात खुद कहां सोई हैं? वो आपका मसला नहीं है। एक इंसान डर गया है, आपको काइंड होना चाहिए। प्लीज, एक घर में रह रहे हैं, अगर कोई डर गया है तो मैं उठकर इसको ये नहीं बोलूंगी कि यार आप पागल हो, यू नो। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है सीरियसली। उसका रीजन ये है कि आप लोग सब आए इधर अभी लिटरली 24 घंटे भी नहीं हुए आप लोगों को। अदनान जी, मेरी बात सुन ले, पहले मैं बात कर रहा हूँ। पहला, अगर पोनी मार दी, मुझे ऐसा लगा वो एक मजाक में था, ठीक है ना। दूसरा, अगर हुआ ऐसा एक मसला जिसमें पागल औरत कहा गया, एक रिएक्शन था, नहीं कहना चाहिए था। अभी आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। और जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है सईदा, जो मेरे ख्याल में बेसिक्स है, टॉलरेंस। आपने अभी 6 हफ्ते गुजारने इधर, बहुत सी आदत आपकी उनकी नहीं होगी। जैसे आपके नाम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, आपके स्टार्स भी बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी, आपकी पर्सनालिटीज़ भी बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी, मगर फिर भी एक दूसरे के साथ आप लोग रह रहे हैं ना। बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है, इससे खुश होते हैं लोग। मैं ये चाहूँगा, क्योंकि आज पहला दिन है, हंसी दूसरे एक दूसरे से गले मिले, आगे देखेंगे, चले जी दोस्तियां करें प्लीज। ठीक है जी, प्लीज बैठे।